Good morning, all classes English grammar. Welcome to online class. We started grammar. आप student present tense के बारे में last जो class थी उसमें आपको बताए थे कि कितने भाग होते हैं, ठीक? आज एक लेंगे present simple, ठीक है? एक भाग लेंगे. उसको present indefinite tense भी कहते हैं. इस tense को simple present tense कहते हैं. Also known as the simple present tense. इस टेंस में वाक्य की पहचान है क्रिया के साथ. क्रिया मतलब वर्ब, ठीक है? वर्ब के साथ ता ई ते हैं लगकर आता है. जैसे उदाहरण, ता मतलब ये, जाता हूँ, आता है, नहाते हो, तो ये हा है और ता, ये दोनों उच्चारण आ रहे हैं. किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब? देखिए, केवल सकारात्मक का अर्थ होता है अफर्मेटिव, हाँ? तो अफर्मेटिव के लिए एस या ईएस लगता है, ठीक? बाकी सभी सब्जेक्ट की क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाया जाता. अब कहां एस और ईएस जो है ये पे कहां पे करना है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डीओईएस डस एंड बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डीओ डू का प्रयोग किया जाता है. देखिए रूल्स हैं इसके. आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि एक होता है अफर्मेटिव, कि बेटा मैं इसलिए आप लोगों को सेकंड टाइम बता रही हूं क्योंकि आपको ये याद हो जाए. इसमें तीन टाइप के आपके सेंटेंस होते हैं, ठीक? अफर्मेटिव में आपका जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. फिर नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक, इसमें नॉट का प्रयोग किया जाएगा और सब्जेक्ट और डज या डू का प्रयोग होगा, हाँ, और वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक? इसी प्रकार इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, प्रश्नात्मक वाक्य में ये लगेगा व्हाट, व्हाई, इस प्रकार के लगे, व्हेन, ठीक है? डज या डू का ये यूज होगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक? नेगेटिव इंटरोगेटिव है नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्यों के लिए व्हाट है ना, वेयर या व्हेन, इस प्रकार के शब्द और डू डस इनमें से एक सब्जेक्ट नॉट भी आएगा क्योंकि नकारात्मक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक? सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के अंत में कब एस लगा, कब ईएस लगा, ठीक? व्हेन टू यूज एस एंड व्हेन टू यूज ईएस एस एट द एंड ऑफ द वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंस. केवल सकारात्मक वाक्यों में एस और ईएस लगाए जाते हैं. अब देखिए इसके उदाहरण. देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव के बहुत ही सिंपल उदाहरण, सकारात्मक मतलब जो हो सकते हैं, ठीक, जो पॉसिबिलिटी उसके लिए बता रहे हैं. जैसे मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ, देख ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक? तो उसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट्स हिंदी में आप लोग सीखे हैं पहले कैसे लिखेंगे, मैं एम ए आई, ठीक, तुमसे टी यू एम एस ई T-T-E-Z, तेज दौड़ता, H-O-O-M, हूँ, dot, ठीक? ये तो हो गया हिंदी में, लेकिन इसका ग्रामर में कैसे चेंज होगा? देखिए, I run faster than you, okay? Run, यानी दौड़ना, run क्या हो गया? Verb हो गया, क्या ये? Verb, ठीक है? और I जो है, ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है, ठीक? वह मुझसे बात करती है, तो वह मुझसे बात करती है, she talks, एस लग गया इसमें, to me, ठीक है? she यानी वह, ठीक? then boy के लिए he, अगर वह मुझसे बात करता है तो आएगा he talks to me, ठीक? इसका ही आ जाएगा एग्जांपल ये e t a l k s हाँ to me, ओके. वह सीखना चाहता है, ठीक? तो इसका हिंदी उच्चारण होगा वह s w k h n a चाहता h a i then ग्रामर फॉर्म में he आएगा पहले, he is a object, ठीक? wants to learn, तो इसमें s लगा है, want is a verb, okay? then verb में क्या लगाया s लगाया wants होगी to learn.
में कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। वे, वे यानी क्या होगा, दे, ये कहलाता सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, कड़ी मेहनत करते हैं, दे वर्क हार्ड, ठीक है। ये सारे अफर्मेटिव जो हो सकता है उसके उदाहरण, ठीक है। आपको अपने मन से चार पांच उदाहरण आपको अपने मन से बना के क्या करना है, कॉपी में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव, नकारात्मक। इसमें आपको सिर्फ ओनली नॉट लगाना है और सेम जो अफर्मेटिव का एज अ सेम सेंटेंस का यूज करना है, ठीक है। जैसे राम दौड़ता है, उसमें था ना राम दौड़ता है, ठीक। इसमें क्या है, राम नहीं दौड़ता, तो क्या आएगा, राम डज नॉट रन। यहाँ पे नॉट का प्रयोग हुआ है, आया समझ में, ठीक। रन, रन क्या है, ये वर्ब है, ठीक, और इसमें नॉट लगा, ठीक है। राम क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट। ये सारे आपके सब्जेक्ट आएंगे, फर्स्ट जितने भी हैं, मैं, आई, वे, और देन वह है, और वे, दिस इज ए सब्जेक्ट, ओके। ये हो गया, वे किताबें नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड बुक्स, ठीक। वह सीखना नहीं चाहता, तो उसमें क्या था, वह सीखना चाहता है ना, तो वह, ही डज नॉट वॉन्ट टू लर्न। वे मेहनत नहीं करते, दे डू नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है एग्जांपल इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक, ओके। प्रश्न मतलब क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के लिए क्या आता है, क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, ये सब प्रश्न में आते हैं, ठीक। तो क्या से शुरू करेंगे, क्या वह गाता है, अब ये वह किसके लिए आया है, बॉय के लिए, है ना, वह बॉय, तो क्या आएगा, ये ही आएगा, हां। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, डज, D-O-E-S, he sing, क्योंकि प्रेजेंट में हमेशा does का प्रयोग करते हैं, है के लिए, तो does he sing, क्या है, गाता है, फर्स्ट। सेकंड, तुम वहां क्यों जाते, why, क्यों, मतलब why मतलब क्या होता है, क्यों, why do you go there, ठीक। हम कितने बजे तक खेलते हैं, तो हम until what time do we play, अब यहाँ खेलते हैं ये वर्ब आ गया, है ना, play, ये है वर्ब यानी क्रिया, ठीक। चलिए, क्या वह स्कूल जाता है, तो does he go to school, क्या वह 4 बजे उठता है, does he wake up at 4 o'clock। इस प्रकार आपकी 5 वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थक के, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, आप इसके भी 5-5 जो सेंटेंस है उसको बनाइए, नोटबुक में नोट करिए और सीखिए।